जय श्री श्याम बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप टू ऑडिट में हमें किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट ग्रुप टू में हम फुल कॉन्फिडेंट हो सके और इस बार इस अटेम्प्ट को अपना ग्रुप टू के लिए लास्ट अटेम्प्ट बना सके। तो देखिए, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, कम से कम 40 नंबर और लेटेस्ट ट्रेंड हो रखा है कि 50 से 60 नंबर के आते हैं। चलो मैं सिर्फ 40 मार्क्स ले लेता हूँ और उसमें अगर आप ठीक है थ्योरी पेपर 100% मार्क्स नहीं ले मिलते, लेकिन अगर आप 80% मार्क्स भी ले लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। रेस्ट ऑडिट बचा 60 मार्क्स का, 40% मार्क्स भी ले आओगे 24। अब ऐसा थोड़ी ना इसमें इतने भी नहीं आएंगे, कुछ तो तैयारी उसकी कर रखी होगी। नहीं कर रखी, सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स कर लो, टेक्स्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतने नंबर आराम से ले आओगे, कहीं नहीं गए। मतलब ये भी अच्छे से कर लेते हो ना तो 60-80% मार्क्स का पेपर आता है। देखो, ऑडिटिंग के पेपर के अंदर एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, जिसको आप एससीए बोलते हो, आप देखोगे कि कम से कम एग्जाम में 40 मार्क्स की मिनिमम वेटेज रखते हैं और कई बार 60 मार्क्स तक के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ऑडिट के पेपर में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि 44 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आपकी स्ट्रेट अवे हेल्प कर रहा होता है, जो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम जो है कहां से आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से आपके ड्राफ्ट होते हैं। जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं या आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो आप कंबाइनली 40-60 मार्क्स का पेपर आपको ऐसे देखने को मिलता है।